आईआरएस रह चुके हैं और खुद जो हैं वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले उनसे शुरुआत और बाकी तमाम मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बद्री नारायण जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी के फिरोज किदवई साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत उदित राज जी आपसे, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैंने पढ़ा तो नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ और अभी जजमेंट को निकालने का समय नहीं है। दो चीजें निकल के आई जो आपकी आपसे सुनाऊं मैं और सोशल मीडिया में भी यही सुना देखा मैं। एक तो है कि क्रीमी लेयर और दूसरी बात है कैटेगराइजेशन के बारे में। दो चीज, मेरा ख्याल है कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दो भाग है, एक तो क्रीमी लेयर का अलग बात है और कैटेगराइजेशन एक अलग बात है। मैं सही हूँ अगर आप मैं सही कह रहा हूँ आपको? एब्सोल्युटली सर, मैं आपसे जान लूँ क्योंकि जैसे मैं सतीश चंद्र शर्मा जी का एक आपको बस वो जजमेंट पढ़ के बता देती हूँ। आई एम फुली इन अग्रीमेंट विद द ओपिनियन टू द एक्सटेंड दैट एनी एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग सब क्लासिफिकेशन बाय द स्टेट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डेटा। See what happened, there are number of things. Empirical data तब आएगा जब जनगणना होगी। बिल्कुल सही। अब जनगणना में अकाउंट और शैक्षणिक अकाउंट यानी सर्वे में ही निकल के आता है। ये सरकार इतनी मतलब लुंजपुल की सरकार है, दुनिया में कोविड के चपेट में और देश भी आए, लगभग 100 देशों ने उसके बाद में अपने यहाँ जनगणना करा ली। हमने 2011 के बाद में हमारी जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन 2024 से जनगणना नहीं हो पाया, तो ये आंकड़ा निकालना मुश्किल है चूँकि इकोनॉमिक इंडेक्स और सोशल इंडेक्स और एजुकेशनल इंडेक्स वहीं से निकल के आएगा। एक बात, दूसरी बात है कि क्रीमी लेयर इस केस में तो ऐसे निकल कर आएगा कि किसको कितनी नौकरियां मिली है, किस जाति के लोग किस नौकरी में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं। जैसे 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 रोहिणी कमेटी रिपोर्ट थी, ओबीसी में वर्ग में कितने की कैसी नौकरियां मिली है जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। इसलिए नहीं लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर कि ये एक विशेष जाति को दिया गया है, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण संविधान ने आरक्षण दिया, तो संविधान की बुनियाद को हिला दे रहा है, संवैधानिक आधार है ही नहीं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे नीट हो, IIT हो, तो पहली जनरेशन के बच्चे इतना कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या कि आज भले IAS IPS हो, तमाम सारे इंस्टांसेस आपको दिखा दूँ, तो भले उनकी आर्थिक रूप से स्थिति सुधर गई हो लेकिन शैक्षणिक रूप से कम सामाजिक रूप से आज भी उनकी हालत वही है। यानी तमाम सारे एग्जांपल्स मैं देना नहीं चाहता, वो आंकड़ा मैं दे दूंगा। IAS लोग बने, IPS जब घर लौट करके गए, गाँव लौट के गए, तो सवर्णों के क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहा, रहना चाहा, तो नहीं खरीद पाए। तो ये क्रीमी लेयर का जो बात है। तीसरी बात जो मैं सबसे ज्यादा रूबिका जी कहना चाहता हूँ, हाँ, कि जब बिहार सरकार ने जनगणना कराई और देखा कि 90% धन केवल जनरल कैटेगरी के पास में है, 10% में पूरा बैकवर्ड शुरू का चाहे जमीन जायदाद है, व्यापार है, सिमट गया। उसको देखते हुए नीतीश सरकार ने 65% तक आरक्षण दिया, फिर पटना हाई कोर्ट ने उस आरक्षण के ऊपर रोक लगा दिया, फिर बिहार सरकार अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है 65% नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को लगातार देखता हूँ, आरक्षण के विरोध में तो जजमेंट दे देते, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये भी देखा कि क्या रिजर्वेशन लागू हो पा रहा? 30 लाख इस समय वैकेंसीज हैं
पूरे केंद्र सरकार में, उसको लागू करने के लिए कुछ किया। एक बार हुआ क्या था कि करिया मुंडा के की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, फार्मर एमपी थे। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट से मांगा था कि आपके यहाँ कितने एम्प्लाईज हैं, तो उन्होंने कहा हम रिजर्वेशन लागू नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद बड़ा अन्याय करते हैं, इनके स्टाफ में रिजर्वेशन लागू नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके जजमेंट देते रहते हैं। और रुद्रा जी, एक चीज में नहीं, मैंने आपकी मैं कायदे से आपकी बात सुननी थी, बस मैं अब दो चीजों पर आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है कि बाकी वर्गों को भी, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनको अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, उन्हें फायदा मिले, तो ये तो वेलकमिंग होना चाहिए ना जजमेंट। देखिए ऐसा है, सुनिए, लेकिन मैं इसी सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि ये तत्परता दिखाता है, जब आरक्षण को कम करना होता खत्म होता है, लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और तमाम सारे क्लर्क होते हैं, स्टेनो होते हैं, वहाँ खुद ही रिजर्वेशन नहीं लागू किया है। जो अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, देखिए ऐसा होता है कि जो सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि असेंबली, जैसे बिहार विधानसभा की असेंबली ने ये कानून बनाया कि 65% रिजर्वेशन किया जाता, हाई कोर्ट ने रोक दिया। अरे भाई, जब जनता के प्रतिनिधि कानून बनाएंगे और कानून भी नहीं बनाने देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लोग नहीं, पर जी, आप तो एक साइड से देख रहे हैं ना भाई, देश में अलग अलग वर्ग भी तो मौजूद है ना, और इसीलिए कैप लगा दिया गया ना। उदय जी, क्रीमी लेयर और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों मसले को मैं अब डिबेट में आगे ले जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप गाड़ी में मौजूद हूँ, लेकिन उसके बावजूद न्यूज 18 इंडिया से इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आप शरीक हुए, शुक्रिया उदित राज जी। तो यहाँ पर